गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में दो से ज़्यादा तीन ईमो आईडी अपने फ़ोन में चला सकते हैं। गाइस अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का या अपने फ्रेंड्स का ईमो आईडी को अपने फ़ोन में लॉगिन करके और हमेशा के लिए चला सकते हैं। आप अपने फ़ोन में अपने ईमो के साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर्स का या किसी अपने फ्रेंड्स का भी ईमो अकाउंट अपने फ़ोन में ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक पावर टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें एंड इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। सो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन पर आ गया हूं और गाइस यहां पर देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में तीन यहां पर ईमो का एप्लीकेशन शो कर रहा है। जो पहला वाला है वो ईमो का मेन एप्लीकेशन है एंड दूसरा ईमो बेटा है एंड तीसरा जो है वो ईमो लाइट है। सो गाइस बहुत से लोग पार्लर स्पेस है डबल एप्लीकेशन बनाकर और उसे यूज करते हैं। ये ईमो का अपना एप्लीकेशन है, इसमें से कभी भी आपका जो आईडी है वो लॉग आउट नहीं होगा, आप जब चाहेंगे तभी लॉग आउट होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास तीन आईडी है, तीन एप्लीकेशन है ईमो का एंड इस तीनों एप्लीकेशन में मेरा अलग अलग नंबर से इसमें आईडी लॉगिन है। तो चलिए मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें आईडी लॉगिन है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आईडी एक लॉगिन है। तो चलिए मैं सेकेंड वाले को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं ईमो बेटा का ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आईडी है इसमें भी इस एप्लीकेशन में एक आईडी लॉगिन है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और जो ईमो लाइट है इसमें भी एक आईडी लॉगिन है। तो देख सकते हैं कि जो तीनों एप्लीकेशन है ईमो का इसमें तीनों अलग अलग नंबर से मैंने इसमें आईडी लॉगिन करके रखा हूँ एंड इस तीनों एप्लीकेशन से तीनों ईमो आईडी से मैं चैटिंग एंड वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग में कर सकता हूँ और ये जो है ये कभी भी लॉग आउट नहीं होगा, जब मैं चाहूँगा तभी ये लॉग आउट होगा। पार्लर स्पेस में होता है कि वो कभी भी अपने मर्जी से लॉग आउट हो जाता है, फिर से आपको लॉग इन करना पड़ता है और लॉग इन करने के लिए आपको OTP चाहिए होता है और OTP कभी कभी मिल नहीं पाता है। और यहाँ से आप जब भी लॉग आउट करेंगे तभी लॉग आउट होगा, ऐसे लॉग आउट कभी नहीं होगा। और ये जो है ईमो का अपना एप्लीकेशन है, इसमें कोई भी डरने का बात नहीं है। पार्लर स्पेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सारा जितना भी एप्लीकेशन है ईमो बेटा और ईमो लाइट ये एप्लीकेशन का अपना खुद का एप्लीकेशन है, आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अपने एक फ़ोन में तीन ईमो आईडी अलग अलग नंबर से कैसे चला सकते हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं एंड गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।